परम पूज्य 108 मनोज कुमार भावासी, आप मोटा मंदिर મુંબઈ બિરાજો છો. આપ શ્રી અમને લગભગ 1 યર્સ તો થઈ ગયું હશે જે જે શ્રી નામ ન હા સ્રોત આપ અમને સમજાવો છો એવરી વીક માં 2 ટાઈમ. આત્મા વચન મતલબ કુતા કરશી વલ્લભા દી સકી જે છે. હા મંગલાચરણ કરીએ આપણે. હા જી સર. चिंता संतान हंतारो यत्पादंबुजरेण वः प्रियानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहु. यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं. चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम. आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराष्टयास्ता मस्वांत आगत्य कृपापृतास्ता मदीय वाचा वचयन्तु अलंकृतम्. आप सभी पुष्ट भक्ति मार्गीय वैष्णव उनको आज के सत्र में स्वागत करूं. और जैसे कि स्मिताबेन ने बताया कि एक बरस ऊपर हो गया है. सच्ची बात है, एक बरस ऊपर तो गया है. और अपन अभी समझो कि 36वें नाम तक ही पहुंचे हैं. तो मुझको लगे कि ये शायद 3 साल तक चलने वाली चीज है. ये 3 साल तक तो चले दो, जल्दी पूरा हो जाए तो अपन देख लेंगे. बाकी थैंक यू. भागने से कोई मतलब नहीं है. जहाँ तरह से अपन यह विषय को देख रहे हैं श्रीमद् भागवत के साथ, तो वहां में सबसे पहली आवश्यकता है धीरज की. धीरज होनी चाहिए अपने अंदर अंदर. और जाको यदि कोई भी चीज पूरी करने की उतावल है वाको कोई काम नहीं है. जाको शांति है, धीरज है, वाको या क्लास में जुड़ना चाहिए. मेरी ऐसी मान्यता है. तो आज के क्लास में अपन नाम देख रहे थे श्री गोकुल कृतावास, जो कि 37वां नाम है अपन ने देखे. तो और वाके देवकीनंदन जी की टीका अपन ने देखी थी कि देवकीनंदन जी ने कैसे आपको एक्सप्लेन किया है, कैसे आपको समझाया है, वो अपन ने देखियो. और वह संदर्भ में थोड़ा सा आपको रिवाइंड कराऊं तो फ्लैशबैक के अपन ने रस के प्रकार देखे थे. और मैंने आपको रस समझाया तो रस को प्रकार क्या है, मतलब मैं आपको फिर से पुनरावर्तन या करवाऊँ थोड़ो के गोकुल कृतावास जब अपन देख रहे हैं नाम, तो राजस प्रमेय प्रकरण आ रहे है. राजस प्रमेय प्रकरण मतलब भागवत के हिसाब से 43 से लेकर के 49 43 to 49, ये जो 7 अध्याय हैं राजस प्रमेय प्रकरण के, वहाँ में सबसे पहला अध्याय 43rd अध्याय और सुबोधि जी के अनुसार 40वां अध्याय जो कुवलया पीड़ उद्धार है और कृष्ण को अखाड़ा में प्रवेश, और वाके बाद जो कंस उद्धार वालों अध्याय है. ये 2 अध्याय जो हैं श्री गोकुल कृतावास को समर्पित हैं. ये बात आपको मैंने समझाई थी, जहाँ मैं ठाकुर जी की ऐश्वर्य लीला और वीर लीला को निरूपण आ रहा है. तो
ये दो नाम जो हैं गोकुल कृतावास को कैसे कह रहे हैं, ये बात मैंने पिछली क्लास में समझाई थी तो याद बखत पुनरावर्तन नहीं करूँगा, लेकिन संक्षेप में इतना जरूर कहना चाहूँगा कि गोकुल को अर्थ जो है वो अपनी नरी आंखन सु दिखतो गयो जो आज को गोकुल है वो लोगे तो अध्याय को अर्थ आपको स्फुट नहीं होएगा। गोकुल को अर्थ आपको लेना है आध्यात्मिक गोकुल, और जाको मैंने आपको गोकुल शब्द के बहुत सारे अर्थ आपको समझाए थे यदि आपको याद हो तो, कि गो में क्या क्या आ रहे है। गो शब्द को अर्थ जो है वो गाय है और आकाश है, तारा है, इंद्र को वज्र है, प्रकाश की किरण है वगैरह, बहुत सारी बात, लंबी लिस्ट, हीरा है, स्वर्ग है, बाण है, पृथ्वी है, वाणी है, न जाने क्या क्या गो शब्द में समाहित है। तो यदि आपको वातरस्तु अपन अर्थ ले हैं आध्यात्मिक क्या को अर्थ यदि अपन लें तो उनको जो कुल है वहां ठाकुर जी को प्रवेश, मैंने अपन ने ये अर्थ किया तो कि भगवान श्री कृष्ण को कंस में प्रवेश, कंस के हृदय में अपनो आवास बनानो, कंस के हृदय में वो अपनो घर बनानो, वो गोकुल कृतावास है। और वो गोकुल कृतावास जो है वो वाको संबंध पहले अध्याय में आ रहे है, जहाँ मैं कंस को अखाड़ा में प्रवेश, वहां से वो बात शुरू हो रही है करके दो अध्याय या नाम के लिए लग रहे हैं, ऐसे मुको लग रहे है। ये सारी कुछ मेरी ही समझ है वैष्णव, या मैं आपको यदि कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो वो कोई महाप्रभु जी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और आप लोग मुको पूछ सको कि भाई ये आपको आपने कैसे कनेक्ट किया, या गोकुल कृतावास को या अध्याय से आपने कैसे मिलाया। और मैं आप लोगों को गोकुल का अर्थ भक्तन की देह करना चाहिए, और अपन यह बात को अच्छी तरह से जाने हैं कि गोकुल का अर्थ यदि भक्तन की देह है तो कंस को, कंस के हृदय में या कंस की देह में भगवान के तेज को प्रवेश होना तो कंस भक्त नहीं है, ऐसी यदि जो आपको भ्रांति हो तो वह भ्रांति को दूर करो, क्योंकि कंस वास्तव में प्रभु को भक्ति है। नहीं भूलना चाहिए अपन को कि ये स्वर्ग के द्वारपाल हते जय विजय जो कंस और शिष्यपाल के रूप में प्रकटे हैं, और तृतीय स्कंध में एक कथा आवे है कि इन लोगों ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये जो सदा जो है पांच पांच बरस के ऋषि कुमार हैं, इनको प्रभु के पास जाने से रोके थे, और रोकने के एवज में जो इनको श्राप मिलो, वह श्राप को फल उन लोगों ने कही थी कि यदि भक्ति से यदि प्रभु को भजोगे तो 7 जन्म लगेंगे, और यदि दुश्मनी से यदि प्रभु को भजोगे तो 3 जन्म लगेंगे। तो इन लोगों ने वो बात एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके, इनके 3 जन्म भय, रावण, कुंभकर्ण वगैरह अपन सब अच्छी तरह से जाने हैं। तो कंस जो है वो ठाकुर जी को भक्ति है, वाके रोम रोम में जो है श्री कृष्ण समाहित थे, और जा बखत वाके प्राण गए हैं, अपन वो भागवत वालों अध्याय जो या के बाद को जो अध्याय है आप लोग पढ़ लीजिए, 44वां अध्याय भागवत के हिसाब से, वहाँ में जा तरह से कंस के वध को जो वर्णन आवे है वहाँ में सपने को पता चले है कि वास्तव में ये भगवत लीला कंस के लिए प्रकट हुई है, कंस के उद्धार के लिए ठाकुर जी ने याद अंशु वह को उद्धार किया है, क्योंकि अपने पास बुलाना है वह को, वहाँ आवास करना है, वहाँ रहना है, वह को पुनः जो श्राप जो है वह को फुलफिल करना है, वह को अपने में स्थापित करना है। तो ये गोकुल कृतावास है ये नाम। तो वाक्य पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपनो जो कृष्ण है, अपनो जो हीरो है, अपनो जो भगवान श्री कृष्ण है, वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, मैंने बाकी एक पर्सनालिटी नहीं है। ऐसा कौन सा रूप है, ऐसा कौन सा संबंध है
जो अपने कृष्ण ने नहीं निभाया हो। दुनिया में आज जितने संबंधन को अपन जी रहे हैं ना वैष्णव, उनमें से एक संबंध ऐसा नहीं है जो माने अपने जीवन में कृष्ण ने जियो नहीं हो। और कृष्ण में ये पर्सनालिटी है, कृष्ण की ये सामर्थ्य है अपने प्रभु की, कि वो एक समय में सबको अलग अलग रूप से अपनी अनुभूति करा सके है। ये ईश्वरीय सामर्थ्य है करके ये अध्याय ऐश्वर्य लीला को प्रकट कर रहे हैं, जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी, जो महाप्रभु जी की जो पॉलिसी है के 7 अध्याय इनको डिस्क्राइब करने की, के 7 अध्याय मतलब 6 धर्म और 1 धर्मी। तो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य ये 6 धर्म, और 6 धर्म जहाँ में विराजते हों वो धर्मी, ऐसे 6 और 1 7। तो हमेशा चाहे वो तामस प्रमाण होए प्रमेय होए, तामस साधन होए तामस फल होए, राजस प्रमाण प्रमेय साधन फल होए, या सात्विक प्रमेय साधन फल होए, जितने भी 7-7 अध्याय में जो विभाजन महाप्रभु जी ने किया है आखे दशम स्कंद की लीला, उनको वहां में आपने क्राइटेरिया यही रखे है कि वह 7-7 अध्याय में डिवाइड करके वह को नामकरण ऐश्वर्य वीर यश ज्ञान वैराग्य और धर्मी सुवा को विभाजन करो। और कई बालकन के आप लोग तो वचनामा सुनते रहो या ग्रुप में, तो यह बात तो आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो गए ही, या मैं मेरे अलग से कुछ ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ये अध्याय ऐश्वर्य लीला कैसे प्रकट हो रही है वो आज अपन देखें, या मैं गोकुल कृतावास को स्वरूप कैसे महाप्रभु जी ने या मैं बताया। तो मैंने पिछली बार आपको ये बात बताई थी कि ये जो रस को जो प्रकार है, रस की बात आप लोगों को समझाई थी के कैसे रस प्रकट हो गए है प्रभु की लीला में, और रस के प्रकटन को क्या प्रकार है। तो मैंने आपको चार्ट के माध्यम से ये समझाया तो कि 4 प्रकार के भाव होवे हैं, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो उन 9 रसन में से जा रस से भी अपन कनेक्टेड रहे हैं वो वाकु स्थाई भाव कहना चाहिए। जैसे अपन अपने दोस्तन के बीच में बैठे हुए हैं तो मुख्य रस कौन सा है, हास्य रस। यूं अपने अपन माँ बाप के साथ बैठे हुए हैं तो मुख्य रस कौन सा है, वात्सल्य रस। जैसे पति पत्नी बैठे हुए हैं तो मुख्य रस कौन सा है, श्रृंगार। यह ढंग से हर एक 9 रस के बारे में अपन को समझ लेनी है कि 9 रस में से भी जा मुख्य रस से अपन कनेक्टेड हुए हैं वो मुख्य रस को स्थायी भाव कह जाए। लेकिन वो जो स्थाई भाव रूपात्मक जो रस है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की सहायता से पुष्ट हो गए है। ये रस शास्त्र के ज्ञाता भरत मुनि या बात को कहे हैं कि जब तक वहां में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव नहीं आवे साथ में, वो रस अच्छी तरह से पुष्ट नहीं हो गए है। वो मैंने आपको समझाई थी बात पिछली बार, और के विभाव कितने प्रकार को हो गए है, मने विभाव आलंबन और उद्दीपन, 2 प्रकार को विभाव है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। और अनुभव जो है अपनी आंगिक चेष्टाएं हैं उनको अनुभव कहो जाए है, और संचारी भाव वो हुए हैं जो दृढ़ता पूर्वक स्थिर नहीं रह में हैं और प्रधान भाव के कारण जो प्रकट होते हुए हैं उनको अपन संचारी भाव कह रहे हैं। ये बात मैंने आपको समझाई थी। और या के बाद ये जो 9 रस हैं विष्णु, उन 9 रसन की यदि आपको लिखना है, जो नोट्स बना रहे हैं व्यवस्थित उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि 9 रस में सु श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स, हास्य, करुण, अद्भुत, भयानक, शांत, वात्सल्य और भक्ति, ये 11 हो गए। लेकिन शास्त्रकारण ने, मैंने आपको पिछले समय भी बताई थी ये बात कि अपन शास्त्र लोग 9 रस माने हैं, कितने लोग 8 माने हैं, भरत मुनि तो 8 ही माने हैं,
लेकिन कितने लोग 9 रस माने हैं, लेकिन अपन 11 रस माने हैं। भक्ति को भी एक रस माने हैं, वात्सल्य को भी अपन रस माने हैं। हर रस को कोई एक स्थाई भाव होगा, जैसे श्रृंगार रस है वह को स्थाई भाव है रति प्रेम, वो आपको स्थाई भाव है। जैसे रौद्र रस है दूसरो जो है, वो रौद्र रस को स्थाई भाव है क्रोध, वसु रौद्र रस प्रकट। आपको मन क्रोध आ रहा हो तो मतलब आपके अंदर रौद्र रस प्रकट हो रहा है। बाकी बात तीसरो जो है वो वीर रस, वीर रस को स्थाई भाव है उत्साह, उत्साह एंथुजियाज्म जाको अपन कह रहे हैं, वो उत्साह जो है वो वीर रस को स्थाई भाव है। जैसे लोगन में देशभक्ति को जगाने के लिए लोग वीर रस की कविताएं कवि नहीं कह रहे हैं, तो अपने सुवासु वीर रस बूस्टअप हो गए, वो उत्साह अपने अंदर पैदा हो गए देश के प्रति, वो उत्साह माना वो वीर रस को जो स्थाई भाव है वो उत्साह है। चौथो हास्य रस, हास्य रस को स्थाई भाव है हास्य, वो तो अपन समझ ही सके हैं। पांचवो करुण रस, करुण रस को जो स्थाई भाव है वो है शोक, शोक जो है वो करुण रस को स्थाई भाव है। और छठो जो है वो अद्भुत रस, अद्भुत रस को वो स्थाई भाव है आश्चर्य। अपन को ऐसा लगे कि अद्भुत रस रस थोड़ी है, लेकिन अपन को कोई ऐसी आश्चर्य जैसी चीज हो वो देखने में अपने को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है जाके ऊपर। जैसे मान लो कोई के 5 की जगह 1 हाथ में 6 उंगली हो, तो ये अद्भुत रस है। तो अपने को देखने की इच्छा हो गए कि नहीं कि हाँ 6 उंगली कैसे लगती होगी, देखें तो सही अपन ख्याल में आया ना यूं ऐसे। जैसे कितनी गाय ऐसी होंगे कि जिनके साइड में से एक पैर निकलते हो, वो अद्भुत रस की बात है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो नॉर्मल नहीं हो, एबनॉर्मल हो, वाकू देखने की अपनी क्यूरियोसिटी अपनी इच्छा होवे कि नहीं होवे, वो अद्भुत रस है। तो अद्भुत रस को स्थाई भाव है आश्चर्य, अपने को वंडर होवे क्या रही ऐसे कैसे हो गया। जैसे एक बात समझो कि कोई ने कल्पना भी नहीं करी थी एक जमाना में कि दूध जैसी चीज को अपन भर के ले जा सकेंगे, दूध के यदि तो पात्र की आवश्यकता होगी। आज अपन दूध को थैली में पैक करके वाकू कोई चीज के जैसे ले जा सके कि नहीं बिना ढूले। जैसे दूर सु दूर कोई व्यक्ति बैठो वासु को अपन देख सकें बात कर सकें, ये सब अद्भुत रसी तो है ख्याल में आया ना, ये सब अद्भुत रस है। बाकी बात देखो भयानक रस, आठवो रस भयानक रस, भयानक रस को स्थाई भाव है भय। अपन को ऐसा लगे कि भय कोई भयानक कोई रस नहीं है, लेकिन अपन हॉरर पिक्चर देखने जावे कि नहीं जावे, हॉरर मूवी क्यों जा रहे हो भाई, मतलब इंटरेस्ट है या लिए तो जा रहे हैं ना अपन, नहीं तो क्यों जाएंगे। तो भय भी अपने आप में एक रस है। जैसे जैसे डायनोसर अपन देखने कैसे हो गए, अपने को डर लगे, लेकिन सांप को देखने में डर लगे लेकिन देखने को इंटरेस्ट जरूर आ गए। तो ये देखो भय भयानक रस भी एक रस है, वो अपने अंदर रस पैदा करे, अपने को मजा आवे देखने की। ऐसे ही नौमो जो है वो शांत रस है। भरत मुनि शांत रस को रस नहीं माने, वो स्थाई भाव जो है वो निर्वेद है। जैसे एक बात समझो, आदमी कोई आंख बंद करके बैठो यूं बोल ही नहीं रहे, अपने कंटाला आ जाएगा कि नहीं भाई, तुमको आएगा कंटाला, लेकिन जिनको शांत रस पसंद है उनको बहुत पसंद आएगी ये बात ख्याल में आया। लोग शांत रस के लिए भी लालायित होते होंगे। एक बात आपको बताऊं, यहाँ तो नहीं लेकिन कोयम्बतूर में, कोयम्बतूर में ध्यान के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये सदगुरु को नाम आपने सुनो होगा, ये दाढ़ी वाले सदगुरु, उनको एक आश्रम है कोयम्बतूर के पास,
और वहां आश्रम में माने ध्यान करने के लिए एक जगह बनाई है, और वहां बिल्कुल आवाज नहीं कर सको, तुमको ऐसे ही आंख बंद करके मैंने पद्मासन की मुद्रा में तुमको ध्यान लगाना हो तो वहां बिल्कुल मैंने वो शांत रस भी अपने लोगन को रस आवे है करके शांत रस है ना। या लिए ये नव रसन में कितने लोग 8 माने कितने 9 माने, अपन जो है वो 10वां रस वात्सल्य को भी एक रस माने हैं, और भक्ति को भी अपन वात्सल्य को स्थाई भाव वात्सल्य पाछो और भक्ति को भी स्थाई भाव पाछो भक्ति ही है। तो ऐसे 11 रस हुए हैं, और वात्सल्य यदि रस नहीं हो तो माँ बच्चा के प्रति और बच्चा माँ के प्रति आकर्षित नहीं हो, तो भक्ति यदि रस नहीं हो तो भक्त भगवान के प्रति और भगवान भक्त के प्रति, या गुरु शिष्य के प्रति, शिष्य गुरु के प्रति, या भक्ति एक ऐसा रस है, एक ध्यान से समझो ये बात वैष्णव, भक्ति एक ऐसा रस है जहां में सारे रस समाहित है। ऐसा कौन सा रस है जहां जो भक्ति जाकू इनकॉर्पोरेट नहीं करे, भक्ति जाकू मिला नहीं ले। अपन तो ये कहने वाले व्यक्ति हैं कि दुनिया में भक्ति के बिना कोई भी संबंध प्रकट नहीं हो सकता, कोई भी संबंध, कोई भी संबंध को यदि आपस में निभनो है तो पहली शर्त मामे भक्ति की है। भक्ति होए तो वो संबंध निभे, नहीं तो नहीं जमे, चाहे पाछे वो वात्सल्य होए के श्रृंगार होए के वीर होए, कोई भी बात, कोई भी रस की बात करो। आप लोग ये मन में सोच रहे होंगे कि इतनी सारी रामायण में आप लोग उनके सामने क्यों गा रहे हो रस की, ये इतनी सब रामायण आपको बता क्यों रहे हूं। मैं यार ये बता रहा हूं कि जो ये अध्याय है 43वां अध्याय, जहां मैं कुवालया पीड़ को उद्धार ठाकुर जी ने की और कंस ठाकुर जी कंस के अखाड़ा में ठाकुर जी ने प्रवेश कियो है, वह अध्याय में विष्णु, वह अध्याय में जो बात आ रही है अपने कृष्ण की, अपने कृष्ण की जो बात आ रही है वह ऐसी बात आ रही है जो आप लोगों को सबको पता होनी चाहिए। 43वें अध्याय को आप लोग जो है 17वां श्लोक देखो, और वह 17वें श्लोक में देखो ठाकुर जी ने जा बखत फिर कंस के अखाड़ा में प्रवेश कियो है, वा बखत को श्लोक है ये, वा में ये कहो जा रहा है कि मल्ला नाम अशनी नृणाम नरवरह त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो हो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड अविदुषाम तत्वम परम योगिनाम विष्णिनाम पर देवता इति विदितो रंगम गतस्ताग्रजः। मतलब ठाकुर जी ने जा बखत अखाड़ा में प्रवेश कियो कंस के, वा बखत मने बलराम जी के साथ ठाकुर जी रंगभूमि में जा बखत पधारे, वा बखत जो मल्ला नाम जो पहलवान हते उनको ऐसा लगे अशनि, जैसे कोई हम लोग वज्र कठोर जो शरीर है पत्थर के जैसा जो शरीर है वासु हम टकरा गए, इस कौन कौन से हम टकराने जा रहे हैं, उनको ऐसा लगे मल्ला नाम अशनि, माने उनको जैसा चमचमाती भाई कोई चीज एकदम कठोर जैसी लगी। नणाम नरवर है जो साधारण मनुष्य होते उनको ठाकुर जी नर रत्न लगे, ये नहीं वास्तव में पुरुषोत्तम है, ये तो अत्यंत सुंदर व्यक्ति, साधारण मनुष्य को ऐसे लगे प्रभु। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियन को कैसे लगे प्रभु, देखो प्रभु एक है, एक प्रभु की सबन को अलग अलग तरह से अनुभूति हो रही है, दे ब्यूटी है कृष्ण की, ये कृष्ण की, कृष्ण का जो सौंदर्य है वो ये सौंदर्य है,
कि स्त्रियन को ठाकुर जी साक्षात कामदेव की मूर्ति लगे, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, गोपा नाम स्वजनो, जो आपके गोप आते फ्रेंड सर्कल जो है तो ठाकुर जी को गोप वगैरह, उनको ऐसा लगो कि ये अपना ही कोई व्यक्ति है, स्वजन हमारे जैसे ही कोई है। और असताम क्षितिभुजा शास्ता, असताम, असत मतलब जो दुष्ट राजाएं आते, क्षितिभुजा मतलब राजा, जो दुष्ट राजाएं आते असताम क्षितिभुजा मते, उनको ऐसा लगा कि हमारे ऊपर शासन करने वालों, रूल करने वालों कोई आ गया। असताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो हो शिशु हो, माता पिता इनको कैसे लगे, नंदराय जी यशोदा जी को ठाकुर जी कैसे लगे, वहीं पे आते, नंदराय जी वहीं विराजमान आते देख रहे थे। नंदराय जी को कैसे लगे तो कह रहे हैं कि स्वपित्रो हो शिशु, उनको बच्चा के जैसे लगे यार, कि हमारा बच्चा आया है। मृत्यु भोजपते, भोजपते मतलब, भोजपति मतलब कंस, कंस को कैसे लगे ठाकुर जी, मृत्यु रूप लगे, काल रूप लगे, मृत्यु भोजपते। विराट अविदुषाम, जो कुछ नहीं जान रहे थे, अज्ञानी हते, अविदुष हते, अज्ञानी हते, आप उनको ठाकुर जी कैसे लगे, विराट दिखे, विराट रूप में ठाकुर जी दिखे उनको। और तत्वम परम योगी नाम, जो योगी हते, योगी पुरुष हते, योग वेत्ताएं हते, उनको ठाकुर जी परम तत्व लगे, नहीं ये कोई पर तत्व है, ये कोई पर ब्रह्म है ऐसे लगे। और वृष्णि नाम पर देवता, जो वृष्णि वंशी आते, वृष्णि जो वंशी आते ठाकुर जी जाकुल के हैं, उनको ऐसा लगो कि ये हमारा कोई इष्ट देव है, ख्याल में आया। तो सबने अपने अपने भाव के अनुरूप वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन किए, या कि सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ये बात बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने नव रस सु भक्तन को दर्शन दिए, नौ तरह के लोगन को नव रस के कारण दर्शन दिए। जैसे एक बात समझो, मल्ला नाम अशनी, वज्र कठोर शरीर लगे पहलवानन को, तो वो वज्र रूप से जो ठाकुर जी ने दर्शन दिए तो वो रौद्र रस है, ख्याल में आया। क्रोध आया उनको ठाकुर जी को देख के, अरे नहीं लड़ेंगे हम यासुर, क्रोध आया। साधारण मनुष्य को कैसे लगे, नरवर लगे, तो अद्भुत रस लगे, आश्चर्य लगे, अरे ये तो पुरुषोत्तम है एकदम। श्रीयन को कैसे लगे, काम रूप लगे, तो कौन सा रस प्रकट भयो, श्रृंगार रस। गोपन को कैसे लगे, अपनों कोई बांधव है, अपनों कोई स्वजन है, तो हास्य रस प्रकट भयो। जैसे अपनों कोई दोस्त अखाड़ा में प्रवेश करे तो अपने को कैसी फीलिंग आवे, अरे वाह अपनों कोई साथी उतर गयो। जैसे अपनों कोई साथ को बैट्समैन बैटिंग करने के लिए उतरे मैदान में तो कैसी फीलिंग आवे वाके दोस्त को, बस ऐसी फीलिंग ठाकुर जी के दोस्तन को भी ऐसी फीलिंग है, कह रहे हमारा दोस्त आ गया, चलो अब तो सब बात सुलट जाएगी। माता पिता को कैसा लगे, बाल रूप से दर्शन भय, तो उनको शोक हो गयो, अरे कहां इतनो सो बच्चा, कहां इतनो सो बच्चा, उनको करुण रस उत्पन्न हो गया, कहां इतना छोटा बच्चा और कहां ये पहलवान जैसे लोग, चाणूर मुष्टिक वगैरह। कंस को काल रूप से दर्शन दिए ठाकुर जी ने, तो कंस को कौन सा रस प्रकट भयो, भयानक रस, भय, अपन अपनी मृत्यु को देख के डर जाए कि नहीं डर जाए, भय। मूर्खन को कैसे दर्शन दिए ठाकुर जी ने, अविदुषन को विराट रूप से दर्शन दिए।
तो उनको लगो विभत्स रस प्रकट भयो, घृणा वालो, कारण कि जान नहीं रहे ना ठाकुर जी को, ठाकुर जी को पहचान नहीं पा रहे कौन है ये। योगी इनको कैसे दर्शन भय, शांत रूप से दर्शन भय, निर्वेद रूप से। निर्वेद जो है वो शांत रस को स्थाई भाव है। और यादवन को कैसे प्रकट भय, अपना इष्ट देवता के रूप में, भक्ति के रूप में ठाकुर जी प्रकट भय। तो ये देखो कुल मिला के नव रसन को ठाकुर जी ने वैष्णव अपने नौ प्रकार के भक्तन को अपने नव रस को परिचय बताया और सबके हृदय में ठाकुर जी ने प्रवेश किया है। एक बात आप लोग नोट करके रखो, जैसे मैंने आपको यह बात बताई कि रौद्र रस के माध्यम से पहलवानन के हृदय में ठाकुर जी ने प्रवेश कियो, साधारण मनुष्य के हृदय में पुरुषोत्तम रूप से प्रवेश कियो, स्त्रियन के रूप में काम के रूप से प्रवेश कियो, गोपन के रूप में अपने स्वजन के रूप में प्रवेश कियो, माता पिता के रूप में ठाकुर जी ने शिष्य रूप में प्रवेश कियो। तो ये नव रसन के माध्यम से ठाकुर जी ने नौ तरह से नौ प्रकार के भक्तन में जो ठाकुर जी को प्रवेशन है वो गोकुल कृतावास है। आप देखो है कि नहीं, गोकुल कृतावास, गोकुल कृतावास को प्रारंभ है, इनिशिएटिव ठाकुर जी ने यह अध्याय में लियो है। यह अध्याय में ठाकुर जी ने इनिशिएटिव लियो है, इनिशिएटिव समझो ना आप, संकल्प लियो है प्रवेशन को, और दूसरे अध्याय में ठाकुर जी ने प्रवेश कर लियो है करके या नाम के दो अध्याय हैं। आप लोगों को आई समझ में ये बात कि नहीं आई, नहीं आए हो तो बताइए मेरे को। हाँ कोई कोई हमें कोई तकलीफ हो तो आप बता दो मेरे को, नहीं समझ में आए तो अपन मार्क्स पर विचार करेंगे करके आप देखो। या अध्याय के एंड में जो चाणूर मुष्टिक वगैरह जो पहलवान हते उन लोगों को जब ठाकुर जी ने वार रूप में वज्र कठोर शरीर के रूप में जब ठाकुर जी ने दर्शन दिए, ठाकुर जी एक है, ठाकुर जी एक है, लेकिन बाकी अनुभूति सबन को अलग अलग हो रही है। अब आपन को ये आप लोगों को ये शंका होगी मन में कि ऐसा कैसे हो सके, एक ही व्यक्ति अलग अलग तरह से दर्शन कैसे दे सके, कैसे पॉसिबल है ये। और जा बखत ये उनको दर्शन हो रहे हैं जैसे मल्ला नाम अश्नि नाम नरवर श्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो असताम क्षिति भुजाम शास्त्र स्वपत्रो शिशु वगैरह, तो वो उनकी जो अनुभूति है वो सच्ची अनुभूति है कि झूठी अनुभूति है, आप लोग को क्या लगे सच्ची है कि झूठी है? झूठी है, झूठी जरा भी नहीं है विष्णु, सच्ची अनुभूति है बिल्कुल। जा बखत जाकू जा रूप में ठाकुर जी दिख रहे हैं ना, ठाकुर जी वह व्यक्ति के लिए वैसे ही हैं और उतने ही सच्चे हैं जितने वह रूप में हो। अब ये बात सिद्ध कैसे करनी, कैसे प्रूव करनी ये बात, क्या यहाँ कोई लौकिक दृष्टांत आपके पास है, कोई लौकिक एग्जाम्पल है? देखो एक बात यहाँ को बताऊं मैं आपको, फैंटास्टिक उदाहरण है यहाँ को। जा बखत कभी आप लोगों ने ध्यान दिए हो कि जा बखत आपने उगते हुए सूर्य को देखो हो, सनराइज
सब जगह एक टाइम पे ही होगा सूरज उदय के, अलग अलग टाइम पे होगा, अलग अलग टाइम पे होगा। जा वक्त जा शहर में सूर्य उदय हो रहे है और वहां के नगरवासियों को जो सूर्य दिख रहे है, वा वक्त दूसरे नगर में सूर्य उदय नहीं भयो है, लेकिन फिर भी वा नगरवासियों को वो सूर्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। वो जो दिख तो वे सूर्य है जो दूसरे नगर में अभी दिख नहीं रहा है, तो वो झूठो है कि सच्चो है? सच्चा सूरज है, झूठो नहीं है। जा वक्त सूरज उदय हो रहे है, कोई को लगतो है कि ये झूठ बात है। अरे कौन ने कही झूठ बात है, एकदम सच बात है भाई। तुमको नहीं, बाकी को नहीं दिख रहा, वहां व्यक्ति के लिए वो सूर्य सूर्य है, दूसरे को नहीं दिख रहा। ठाकुर जी दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं आपको। जा वक्त अपन को प्रभु दिखाना चाहते हो ना, वा वक्त अपन को प्रभु दिखे है, अन्यथा नहीं दिखे है। जैसे या मोबाइल से आप जाकु कांटेक्ट करना चाहोगे, वासु बात होएगी, वा वो आपको वीडियो देख सकेगो, वो आपको देख सकेगो और आप वाको देख सकोगे, बाकी कोई दूसरो देख नहीं सके वा वक्त। ये जो अपन के जैसे जो साधारण क्षुद्र मनुष्य हैं, उनमें जब या तरह की सामर्थ्य है तो प्रभु में कैसी सामर्थ्य होगी? कोई यदि कहते हो कि ठाकुर जी ने मैक्समराइज करके 9 प्रकार के भक्तन को अलग अलग रूप से खोटे दर्शन दिए, जैसे अभी इलाबेन कह रहे थे झूठ बात है वो, तो वो ये दिमाग में से ये भ्रांति निकाल दो। वो अपनी साधारण मनुष्य की है सामर्थ्य के अपन को वो दिखती भाई चीज झूठी दिख है, एक्चुअली वो बिल्कुल सच्ची है, 100% ही सच्ची, 100% प्योर, हमें जरा भी मिलावट नहीं, बिल्कुल उनको कृष्ण वाही रूप में दिख रहे हैं। और वो जो दिखते भाई कृष्ण हैं, वो वा कृष्ण को वाही तरह की अनुभूति भी करा रहे हैं, वो अपने कृष्ण की अद्भुत सामर्थ्य है। जाकू महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति योयतः। ये जो अपने प्रभु की अद्भुत सामर्थ्य है, वह अद्भुत सामर्थ्य को परिचय ठाकुर जी ने अपने ईश्वरीय सामर्थ्य या अध्याय में प्रकट करी है, या के लिए महाप्रभु जी या अध्याय को ऐश्वर्य लीला कह रहे हैं। ख्याल में आयो आपको? और या ऐश्वर्य लीला के प्रकटन से ठाकुर जी को गोकुल में प्रवेश है। सारे जितने भी भक्त वहां मौजूद हैं, चाहे वो आप यूं समझो के माने गोप होए, स्वजन होए, आपके माता पिता होए, स्त्रियां होए, विद्वान होए, योगी हो, सबको अलग अलग अनुभूति हो रही है, लेकिन जितने को जा प्रकार की जैसी जैसी अनुभूति हो रही है, वो सारी अनुभूति सच्ची है। वावा रूप से ठाकुर जी को उनके हृदय में प्रवेश गोकुल कृतावास है। ये मेरी समझ है वैष्णव, मैं गलत भी हो सकूं, ऐसे नहीं है। ये तो आपको ऐसा लगा कि मनोज भाव ने ठोक बंदी कर दी, एकदम ठोक पीट के बैठा दिया है। मुझको ऐसा नहीं लगे कि मैंने ठोक पीट के बैठाया है, लेकिन यदि आपको या में कोई आपत्ति हो तो 100% आप पूछ सको हो करके। यदि ऐसा नहीं हो तो अगर उनको वातरस यदि नहीं दिखते होते, मल्लन को ठाकुर जी वज्र रूप से नहीं दिखते होते, और गोपन को बिचैन को नंदराय जी को करुणा आ रही है कि इतने बड़े बड़े पहलवान इतने छोटे बच्चे के साथ लड़ेंगे, ये अन्याय है। लेकिन पहलवान क्या कह रहे हैं कि नंदनंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों जो हो वो वीरन के आदरणीय हो,
हमने हमारे महाराज ने यही सुन के तो तुमको हमसे कुश्ती लड़ने के लिए बुलाया है। और एक बात समझो कि ये तो सब जाने या बात को कि गाय और बछड़ा चराने वाले जो ग्वालियाएं हैं वो आनंद से जंगल में कुश्ती लड़ लड़ के खेलते रहे हैं और गाय चराते रहे हैं। यानी आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़े, ऐसा करने से सब प्राणी प्रसन्न हो जाएंगे। आप देखो उनको डर, उनको लग ही नहीं रहे कि ये बालक है, नहीं तो ऐसे वचन क्यों बोलेंगे। और परीक्षित जी को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे परीक्षित, भगवान कृष्ण तो चाहते ही थे ये बात कि अपन इनसे दो दो हाथ करें। और उनने चाणूर की बात सुन के वह एक्नॉलेज किया, ओके ये चाणूर हम भी तो कंस की प्रजा हैं, तो तुम्हारी बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी चाणूर ने सामने से कही कि तुम न बालक हो और न किशोर, न तुम बालक हो न किशोर, तुम तो बलवान में श्रेष्ठ हो। तुमने तो अभी अभी हजार हाथियन को बल रखने वालों जो कुवलिया पीड़ हो तो खेल खेल में मार दियो, क्या बात करो, तुम्हारी सामर्थ्य तो अकल्पनीय है। यानी आओ तुम मेरे पर अपना जोर अजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगो। ये देखो फाइनल यह अध्याय की समाप्ति पे बात है। और या के बाद जो है विष्णु जो 44वां अध्याय है कि चाणूर मुष्टिक और पहलवानन को पहलवान के साथ ठाकुर जी को युद्ध और कंस को उद्धार, यहाँ कंस वध की बात आ रही है यह अध्याय में। और ये अध्याय में अपने को कंस के हृदय में जो ठाकुर जी को प्रवेश होना है बाकी पूर्णा होती यहाँ हो रही है यह अध्याय में। प्रारंभ 43वें अध्याय में भरो तो वाको एंड 44वें अध्याय में हो रहा है। करके आप ये अध्याय बांचोगे तो पूरो आप गोकुल कृता वस्तु यदि भौतिक अर्थ से मिलाने जाओगे तो बिल्कुल आपको समझ में ही नहीं आएगी कि ये गोकुल कृतावास यहाँ कैसे हो रहा है, गोकुल की दूर दूर तक चर्चा नहीं है। लेकिन आपको आध्यात्मिक अर्थ विचारोगे ना तो वो प्रवेशन को जो पूरा आंखों जो प्रोसीजर है, आपको जो प्रोसीजरल आस्पेक्ट है वो यहाँ एक्सप्लेन करो है कि कैसे कैसे ठाकुर जी ने प्रयास किए बाकी अंदर घुसने के लिए। और एक बात समझो बाबखत भी आप एक समझो के एक मिनट मैं आपको बताऊं। छठे श्लोक सु आठवें श्लोक सु आप देखोगे ना जो 44वें अध्याय को आठवां श्लोक है, वह श्लोक में आप देखो कि लोगन की जो अलग अलग फीलिंग है ठाकुर जी के लिए वो बताइए। मैं एक एक श्लोक आपके साथ अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा विष्णु, एक एक श्लोक को शेयर करने को मेरे पास समय नहीं है। लेकिन आप लोग शांति सु होमवर्क के तौर पे अगर आप बैठ के आपको मिलान करोगे कि कैसे गोकुल कृतावास या मैं एक एक श्लोक में फिट हो रहा है तो सब अपनी अपनी बात वहां पे कह रहे हैं कि देखो अपन को चल देना चाहिए, जहाँ अधर्म की प्रधानता है, धर्म काम ही नहीं कर रहा, अपन को यहाँ पे रुकना ही नहीं चाहिए। सबकी अलग अलग फीलिंग आ रही है, सबको क्या क्या मन में आ रहा है देख के। और सबको ब्रजभूमि के लिए जो मान हो, कोई को मान हो रहा है, कोई को कंटाला आ रहा है, कोई को भय लग रहा है, ये जो अलग अलग प्रकार की फीलिंग या अध्याय में वर्णित है। और जब अखट ठाकुर जी के स्वरूप से उनको मोहन हो रहा है, वो मोहन अपने को समझ में आवे कि नहीं नहीं सच्ची बात है कि ठाकुर जी उन सबको वावा रूप में मोहित कर रहे हैं। और सच्ची बात बताऊं वैष्णव, अपन को वाही रूप में वो व्यक्ति अच्छा लगे जा रूप में अपन वासु मोहित होते हो। अगर वो अन्य कोई रूप में आ जाए ना तो वासु अपन मोहित नहीं होंगे। जैसे सिंपल सी एक बात बताऊं आपको, अभी आपको आएगी समझ में, कि अभी मैं आपके सामने धोती बंडी उपरना और तिलक में बैठा भया हूं, लेकिन यदि मान लो मैंने कोई जीन्स टी शर्ट और सब पहन के आपके सामने प्रवचन देता हूं तो आपको मजा आएगी? आप लोगों के बंद करो,
जा रूप में आप मेरे को स्वीकारना चाह रहे हो वही रूप में तो मैं आपके सामने आऊंगा, नहीं तो क्यों आऊंगा। ऐसे ही जा रूप में ठाकुर जी को अपने भक्तन को मोहित करके उनमें प्रवेश करना है, वही रूप में ठाकुर जी उनके सामने दिख भी रहे हैं और ठाकुर जी कर भी रहे हैं। यालिए इन शॉर्ट ये गोकुल कृतावास की प्रोसीजर पाको सारा ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, ये वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और वाक्य बात जो है हाँ 44वें अध्याय में 37वें अध्याय में देखो वाक्य कंस को मुकुट गिर गया और ठाकुर जी ने वाक्य वाक्य पर कूद पड़े वाक्य पर और वाक्य अंदर प्रवेश किया, अपने आध्यात्मिक रूप से प्रवेश किया है। कोई अपन यूं मत समझती हो कि आदि भौतिक रूप से प्रवेश किया है। कंस की जो आत्मा आती वो परमात्मा में मिल गई है, तो ये गोकुल कृतावास बाकी पूर्णा होती हुई है। बस याद दृष्टि से देखोगे तो आपको गोकुल कृतावास जो है बिल्कुल समझ में आएगा। और नेक्स्ट अध्याय में या के बाद को जो अध्याय है ये अपन ने ये गोकुल कृतावास को मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी समझाई ये बात, लेकिन आप लोग या श्लोक के एक एक श्लोक के साथ ऐसी संगति करोगे ना तो आपको शांति से ये बात आएगी समझ में। तो अगली बार अपन कालिंदी पुलिन प्रिय नाम देखेंगे और वो कालिंदी पुलिन प्रिय नाम जो है वो मैं आपको अभी से बता दूं कि 45वां जो अध्याय है या को कृष्ण बलराम को यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश या में आपको कालिंदी पुलिन प्रिय नहीं मिलेगा या को आपको ऑमिट करना पड़ेगा, स्किप ये अध्याय को आपको स्किप करना पड़ेगा। आपको कालिंदी पुलिन प्रिय ये नाम जो है उद्धव जी की ब्रज यात्रा जो 46वां अध्याय है ना उद्धव जी की ब्रज यात्रा वालों वह अध्याय में आपको कालिंदी पुलिन प्रिय मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे वो मिलेगा, कैसे हमें कालिंदी पुलिन प्रिय आ रहे है। और यदि आपको दिमाग दौड़ता हो तो कम ऑन ट्राई इट, मैच करो कैसे कालिंदी पुलिन प्रिय मिल रहे है, ट्राई करके बताओ और मेरे साथ शेयर करो। आप लोग देखें आपको आपको भी ठाकुर जी कैसी प्रेरणा दे रहे हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्रमेय लीला है और प्रमेय लीला में 7 अध्यायन में ठाकुर जी के 7 भक्तन को निरूपण है और 7 द्वेषियन को निरूपण, ये प्रमेय प्रकरण है। क्योंकि प्रमेय प्रकरण है ठाकुर जी खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं यह प्रकरण में। देखो अपन ने कंस के वामे भी देखो ठाकुर जी खुद इन्वॉल्व है, नंद यशोदा गोपीजन कुब्जा अक्रूर पांडव और गुरु ये 7 भक्त हैं और कुबलया पीर हाथी चाणूर मुश्किल कूप पाल तोशल और कंस ये 7 द्वेषी हैं जिनको उद्धार या प्रकरण में भया है। तो कुल मिला के या को प्रारूप या तरह से है। तो मैं सोच रहा हूँ आज को अपन यहाँ रखें, अपनी नेक्स्ट जो भी क्लास होगी स्मिता बहन जो अनाउंस करें वह हिसाब से अपन नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे। और तब तक के लिए कोई को भी यदि कुछ प्रकार की अस्पष्टता हो तो डेफिनेटली मुझको पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन हाँ आज को बात करें फिर। जे जे आपसी आश्रय पर ले लो, हाँ ले लो। સંભળાય છે બધું? આજે સંભળાય છે? આજે બહુ વધારે સંભળાય છે કે ઓછી સંભળાય છે?
ગંભરાય છે એટલે ઓછી છે ને એટલે બહુ વધારે નથી આવતી ને ના ના તમને શેર કરું છું ગ્રુપમાં કીર્તન શેર કરું છું બધાને પાસે આવી જાય જય શ્રી કૃષ્ણ જ ગ્રુપ છે ને હા જય જય શ્રી નંબર 2 માં આપ છે મોકલું હા હા ના મેં મોકલાવી દીધો છે બિન ગોપાલ નહી કોઈ અપનો દરબારીમાં રાગ દરબારીમાં બિન ગોપાલ નહીં કોઈ અપનો બિન ગોપાલ નહીં જય જય શ્રી મ્યુઝિક બંધ થઈ ગયું આપનું તપન યહ સબ જગત રે કો સપનો યહ સબ જગત રે કો સપનો બિન ગોપાલ નહી કોઈ અપનો બિન ગોપાલ ધન કારણ નિસ દિન જગ ભટકત વ્રથા જનમ યોહી સબ ખપનો અંત સાય કરે નહીં કોઈ નિશ્ચય કાલ ગણી મુખ જપનો નિશ્ચય કાલ ગણી મુખ જપનો બિન ગોપાલ નહીં કોઈ અપનો બિન ગોપાલ નહીં કોઈ અપનો સબ તજ હરી ભજ યુગન કમલ પદ સબ તજ હરી ભજ યુગન કમલ પદ મોહનિગણ ચરણ તે કપનો કહત દાસ વિઠણ શ્રી ગિરધર રસના મુખ જપનો શ્રી ગિરધર રસના મુખ જપનો બિન ગોપાલ નહીં કોઈ અપનો બિન ગોપાલ નહીં કોઈ અપનો સુંદર સુંદર સુંદર
આપ ગાવ તો કંઈક બેસે, તમને એક લાગે તો રાખો જ નથી. ના ના, પણ ટ્રામે ટ્રાય નહીં મૂકતા, હું તમને મોકલાવી દઈશ રેકોર્ડિંગ. જય શ્રી. નહીં, આપ ગાવ તો, અમે જોડે ગયે તો ટ્રાય રાગ આવે, પછી એકલા આપ મને કહો કે ગાઓ, ઓ એનો એટલે પ્રેક્ટિસ. ના ના, વાંધો નહીં, આવડી જશે. રજા લઉં બધાથી? હા જજે, હું ઓ સોરી જજે, પેલું હું ખોલું વૈષ્ણવ ને જજે. હા ખોલી દો ને.